Am I audible, all of you? Okay, okay. I hope my audio and video is visible. There was some error. So, okay, yes, 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 yes. I am audible to all of you. Okay, I think there was a connection error. So, kuch samay ke liye, I was not available. Okay, I think we are connected again. ओके सो लेट स्टार्ट आवर सेशन नाउ वी हैव मेनी पीपल राइट नाउ सो पढ़ाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन सेशन जो ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं उसमें डेफिनेटली आपका एक शेड्यूल नहीं बन पाता है. बहुत सारे बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं, रिपीटेडली आपके टेस्ट होते जा रहे हैं, हर चैप्टर के बाद टेस्ट होता है, बट मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट गिविंग द टेस्ट बिकॉज जब व्हेन आई कम टू पेपर चेकिंग आई गेट ओनली 5, 6, 7 ओनली. और इससे ये साफ साफ पता चलता है कि आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस में आप फार बिहाइंड हैं. ऐसा है कि नहीं है? फटाफट से टाइप करके बताओ येस और नो. कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्लासेस के साथ साथ चल रहे हैं कि ठीक है भाई आज जो लेक्चर आएगा हाँ इसमें देखो कितनी जल्दी जल्दी येस आ रहा है. आई नो. तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास के बराबर बिल्कुल भी नहीं हैं, वो कहीं पीछे छूट गए हैं और पुराना वाला कवर करने के चक्कर में करंट वाली जो क्लासेस हैं वो उनकी मिस हो रही हैं. हाँ आई नो, सबका ही यस आएगा इसमें, तो सब पीछे चल रहे हैं ना. एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू आर नॉट एबल टू गिव द टेस्ट. दिस इज द फर्स्ट थिंग कि भाई ऑनलाइन क्लासेस में हमारा शेड्यूल नहीं बन पाता है. ओके ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लास में आपके ऊपर स्ट्रिक्टनेस नहीं है, आप सोचते हो हम आज पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे और वो आज कल कभी भी नहीं हो पाता है. यस yes? तो ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स में भी ऐसा है. फाइन फाइन फाइन. सो दैट इज द रीजन कि वी आर हेयर. कि मैंने आपके लिए जो अनाउंसमेंट मैं आज आपके लिए करना चाहती थी, रीजन बीइंग रियलाइजिंग यू आर हैविंग एग्जाम इन जून. ठीक है, अब दो मिनट एकदम सिंसियरली सुनते हैं हम लोग. जून में आपका एग्जाम है, जनवरी ऑलरेडी ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, तो नाउ वी हैव वेरी फ्यू मंथ्स इन हैंड. और अब आपके सामने एक प्रॉब्लम ये आती होगी कि मैम हम पिछला वाला कोर्स अपना पुराना वाला फिनिश करना चाहते हैं तो हम आगे वाला नहीं कर पाते हैं. ठीक है, और अगर हम आगे वाला करंट वाला उठाने की कोशिश करते हैं तो जो मेरा पुराना वाला सिलेबस है मैं उसकी टेंशन होने लगती है. मोर ओवर कुछ बच्चे इस टाइम हमारे साथ ऐसे भी होंगे जिनका अभी जनवरी में CSEET क्लियर हुआ है, एंड ऑब्वियसली उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई इन अनदर 3-4 मंथ्स हमें अपने जून के एग्जाम को क्लियर करना है. आई ऑलवेज से कि जिन बच्चों का ये जनवरी अटेम्प्ट होता है CSEET, दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, क्योंकि इंस्टीट्यूट ना ही आपके लिए सिलेबस कम करता है, ना ही आपके लिए कुछ चैप्टर्स रिमूव करता है, कॉन्सेप्ट उतना ही है, कोर्स उतना ही है, बस टाइम कम होता है. तो वो बच्चे भी इस टाइम बहुत पैनिक सिचुएशन में है कि हाउ वी शुड मूव अबाउट. क्लासेस भी हो चुकी हैं, काफ़ी चैप्टर्स भी कवर हो गए हैं, और अगर हम उन जनवरी वाले बच्चों की जेन्युइन प्रॉब्लम को साइड में रखें तो जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनका भी सेम ही स्टेटस है. कुछ ना कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जो अर्लियर वाले छूट चुके हैं, तो आप कहीं ना कहीं मेकअप नहीं कर पा रहे हो कि डेली बेसिस पे जो क्लासेस आ रही हैं हम उन क्लासेस को यू नो फॉलो करें कि हम अपने प्रीवियस वाले को फॉलो करें, एंड दैट इज़ द रीज़न कहीं ना कहीं लैगिंग हो रही है. तो वट आई हैव डिसाइडेड फॉर यू इज़ दैट, जैसे कि आपको पता होगा, जो पुराने बच्चे उनको भी पता होगा कि हर बार वी कंडक्ट अ मिनी सीरीज. वट इज़ दिस मिनी सीरीज आई टेल यू. आई हैव प्लान्ड कि फेब्रवरी की लास्ट वीक यानी 20 फरवरी के बाद हम लोग एक मिनी सीरीज रखेंगे. मिनी सीरीज का मतलब जितने चैप्टर्स यहाँ तक हो चुके हैं उन सब का एक कंबाइंड टेस्ट. ओके, हर सब्जेक्ट में हम लोग यहाँ पर मॉड्यूल 1 की भी बात कर रहे हैं, मॉड्यूल 2 की भी बात कर रहे हैं, दोनों ही बच्चों की बात कर रहे हैं. चाहे आपका 1 हो चाहे आपका 2 हो, जितना भी कोर्स आपका जनवरी तक हो गया है 31 जनवरी तक, वहाँ तक का जो भी कोर्स है उसकी मिनी सीरीज होगी. उसका एक यू कैन से योर शॉर्ट एग्जाम होगा आपका. आई विल कीप इट ऑफ 50 मार्क्स रादर. ठीक है, 20 फरवरी के बाद. तो आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी. ओके, अब हम आपके ये जो वीकली टेस्ट होते हैं, हर दिन टेस्ट होते हैं, इनको स्टॉप करने वाले हैं. जो भी टेस्ट अभी आपके अनाउंस्ड हैं हम उनको स्टॉप कर देंगे, एंड आई एम गिविंग यू टाइम टिल 20th Feb टू कम्प्लीट ऑल योर लेसन्स टिल नाउ. चाहे आप मॉड्यूल 1 में हो चाहे आप मॉड्यूल 2 में हो,
20 फरवरी तक का हम आपको एक टारगेट दे रहे हैं, 20 फरवरी तक आपको यहाँ तक के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। इस बीच हम आपका कोई टेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि 20 फरवरी से लेके नेक्स्ट वन वीक तक यू आर गोइंग टू हैव अ मिनी सीरीज, जिसमें 50-50 मार्क्स का मिनी एग्जाम होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ज्यूरिसप्रूडेंस की बात करते हैं, तो जितने भी चैप्टर्स ज्यूरिसप्रूडेंस में हो चुके हैं, अगर आपको नहीं पता है कौन कौन से चैप्टर्स हो चुके हैं, तो वैसे तो हमारी ऐप में है, बट स्टिल इन कमिंग वन और टू डेज आई एम गोइंग टू शेयर द डेट शीट विद यू। ठीक है, मैं आपके साथ डेट शीट शेयर कर दूंगी कि भाई इस दिन को ये वाला पेपर है और इसमें ये चैप्टर्स कवर्ड है, सो दैट अगर उन चैप्टर्स में से आपके लेक्चर्स लेने बाकी हैं तो लेक्चर्स कंप्लीट कर लीजिए, अगर उन चैप्टर्स में से आप ऑलरेडी सारे पढ़ चुके हो तो रिविजन कर लीजिए। वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट आफ्टर 20th Feb आई वॉन्ट मिनी एग्जाम एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अपियर फॉर दैट। लेट्स होप कि कोविड सिचुएशन बेटर हो जाए और अगर हम लोग को ऑफलाइन की परमिशन मिल जाती है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ऑफलाइन आके ये टेस्ट दीजिएगा। इन अ सिचुएशन अगर स्टिल हमें परमिशन नहीं मिलती है तो एटलीस्ट ऑनलाइन ये टेस्ट दीजिएगा एंड प्लीज बी वेरी 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 सिंसियर। ऑनलाइन टेस्ट में मैंने एक बात नोटिस करी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है भाई ऑनलाइन है घर से देना है, तो वो जब मुझे अपने टेस्ट भेजते हैं तो उनके आंसर्स पूरे के पूरे बुक के आंसर्स होते हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझ नहीं आएगा। आपका आंसर एक बार में पढ़ के मुझे समझ में आ जाता है कि दिस आंसर इज टोटली रिटन फ्रॉम द बुक। और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि बेटा ये बुक से लिखा है क्या, तो आप कहते हैं ये बुक से लिखा नहीं है, बस बुक से थोड़ी सी हेल्प ली थी। सो आई डोंट नो, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। आप टेस्ट जो दे रहे हो वो अपनी भलाई के लिए दे रहे हो, मुझे अच्छे आंसर लिख के दिखाने से कुछ नहीं होगा। पॉइंट इज दैट आप गलत आंसर लिखो, देन आई विल करेक्ट यू ऑन दैट, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ टेस्ट। तो इसलिए मैंने जिसका जितना भी जहां कहीं भी कुछ भी छूटा है सब रिकलेक्ट करिए। 20th Feb का एक टारगेट दिया है मैंने आपको, 20 फरवरी तक, इसका मतलब जनवरी के 2-3 दिन हमारे पास जो है एंड 20 days of Feb। सो इज दिस टाइम सफिशिएंट फॉर यू ऑल टू कंप्लीट ऑल द रिमेनिंग सिलेबस? तो फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताओ ये टाइम आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। ओके, लेट मी सी कौन पहले लिख रहा है। ओके, यस 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 यस, हाँ ऑप्शन भी क्या है आपके पास, नो बोल के दिखाओ। अच्छा लिखा किसी ने 5 days more। ओके ओके, ये कैसे कुछ पंडित जी से निकलवाते हो क्या 5 days more? इतना तो दे दिया भाई, टारगेट लेना पड़ेगा। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, टारगेट तो लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपना एग्जाम पोस्टपोन नहीं करने वाला है। इंस्टीट्यूट का एग्जाम 1 जून से है और 1 जून से ही होगा। अच्छा एक क्वेरी आई है कि इन दोज 20 days फर्दर लेक्चर्स विल बी अपलोडेड। आई थिंक यस बेटा, वरना हम लोग कोर्स में बहुत पीछे हो जाएंगे। लेक्चर्स जो आ रहे हैं वो आप एनी हाउ मैनेज कर लेना, 3-4 घंटे के जो भी लेक्चर्स हैं। रीजन बींग हाँ टेस्ट में नहीं लूंगी, बिकॉज आप खुद सोच के देखो बेटा, अगर 20 दिन में आपको क्लासेस नहीं भेजूंगी तो हम लोग का कोर्स बहुत पीछे हो जाएगा, और एनी हाउ वी हैव टू फिनिश इट बाय अप्रैल, क्योंकि मई के फुल मंथ में आपके 100 मार्क्स की सीरीज होंगी और रिविजन होगा। सो वी कैन नॉट स्टॉप द क्लासेस फॉर 20 days। येस आई कैन स्टॉप द टेस्ट, तो वो जो टेस्ट की पढ़ाई करने का जो टाइम होता था ना, आपको ये टारगेट लेना पड़ेगा कि आप उस टाइम पे अपने प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट करें। डेफिनेटली वो बच्चे ओके मैम अनेबल टू फिक्स प्रॉपर टाइम टेबल बिकॉज ऑफ ऑनलाइन बैच। अच्छा ओके ओके, आई टेक अ क्वेरी राइट नाउ। सो वो बच्चे जिन्होंने सारे लेक्चर्स अभी तक अप टू डेट कंप्लीट किए हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि वो अपना पुराना सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं, और जिन्होंने कंप्लीट नहीं किए हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है टू कंप्लीट योर सिलेबस। जिन बच्चों का अभी जनवरी में यू नो क्लियर हुआ है, उनको भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 20 days का एक टारगेट दे रही हूँ मैं आपको, एंड इन 20 days यू हैव टू फिनिश अप ऑल द बैकलॉग। जितना भी आपका बैकलॉग है कोशिश करिए उसको फिनिश करने का, जितना मैक्सिमम हो जाए। एटलीस्ट फेब के मंथ तक हम एक ऐसी पोजिशन पे आएंगे कि भाई यहाँ तक का हमारा सिलेबस डन है, इसके आगे जो बचेगा फिर हम वो आगे की तरफ करेंगे, एंड देन इन द मंथ ऑफ मे वी आर गोइंग टू हैव अ फुल 100 मार्क्स सीरीज। बिलीव मी अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, और वो जो एक यू नो सिंसियरनेस आपके खत्म हो गई है, डिसिप्लिन खत्म हो गया है, इट विल हेल्प यू टू कम बैक ऑन ट्रैक। सो आई एम श्योर कि सब लोग इससे सेटिस्फाइड हैं। अच्छा नाउ आई एम गोइंग टू टेक द क्वेरीज।
20 डेज लेक्चर्स होंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया. एंड देन ओके, अनेबल टू फिक्स प्रॉपर टाइम टेबल. देखो ऑनलाइन के लिए टाइम टेबल में मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी, यूटिलाइज मॉर्निंग आवर्स. अगर आपको सुबह उठने की आदत है तो मॉर्निंग आवर्स यूटिलाइज करिए. आई नो इन विंटर्स इट इज अ बिट डिफिकल्ट, कुछ ज्यादा मांग लिया हमने, बट स्टिल अगर आप 7 बजे से भी बैठते हो और 4 घंटे की क्लास होती है, 5 घंटे की क्लास होती है, तो आई थिंक 11 बजे तक आप वाइंड अप कर सकते हो. 11 बजे के बाद आप 2-3 घंटे का ब्रेक ले लो, 3 घंटे का ब्रेक ले लो, देन आई थिंक 2-3 बजे से शाम को 8-9-10 बजे तक यू आर हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू रिवाइज. सो डोंट डू दिस थिंग कि एक दिन बैक के ले लो. अगर 4 बजे क्लासेस आती हैं तो आप अगले दिन से कर लो, अगर सुबह क्लासेस आती हैं तो वेल एंड गुड. सो ऑनलाइन में तो टाइम टेबल का प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए. टाइम टेबल का प्रॉब्लम होना चाहिए ऑफलाइन में कि भाई हमारा पूरा दिन जो है वो वेस्ट हो जाता है. सो आई थिंक ऑनलाइन में देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ टाइम टेबल. और अगर आप सुबह नहीं उठ सकते हो, रात में बैठते हो, तो रात में अच्छी बात है, रात में कंप्लीट कर लीजिए. आप 10 बजे बैठ गए, 1-2 बजे तक आपने सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली, फिर पूरा दिन आपके पास है रिविजन करने के लिए. सो स्टिल अगर आपको अपना टाइम टेबल अभी भी फ्रेम करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे सेपरेटली व्हाट्सएप कर दो, मैसेज कर दो, सो आई विल टेक योर ओके डाउट. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम डेली लेक्चर वी हैव टू कवर रिमेनिंग सिलेबस. अरे इतनी जल्दी जल्दी लिखोगे तो हम पहुंचेंगे कैसे बेटा. हाँ, अपार्ट फ्रॉम कहाँ गया. हाँ, अपार्ट फ्रॉम डेली लेक्चर्स वी हैव टू कवर रिमेनिंग सिलेबस, राइट. हाँ डेफिनेटली, जो डेली लेक्चर्स आते हैं वो तो आपको कवर करने ही हैं, और जो पीछे वाले चैप्टर्स हैं वो भी कवर करने हैं, क्योंकि 20 फरवरी के बाद यानी 21 फरवरी से वी आर गोइंग टू हैव अ मिनी सीरीज 50-50 मार्क्स. हाँ, दिस आई कैन अश्योर यू कि जितने समय तक मिनी सीरीज चलेंगे उतने समय हम लेक्चर्स नहीं भेजेंगे आपको. तो लेट्स से अगर 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन मिनी सीरीज चलती है, उतने दिन लेक्चर्स नहीं होंगे, सिर्फ आपका एग्जाम होगा. ओके फाइन, ओके यस मैम, प्लीज टेक लाइव, देन वी विल नॉट एस्केप लेक्चर्स. अच्छा ओके, थोड़ा सिंसियर रहो भाई. अच्छा, देन एक बहुत बड़ा सा प्रांचल ने मैसेज लिखा है, आई डोंट नो हाउ टू रीड इट. वेट बेटा, आप लोग इतनी फटाफट से अगर लिखोगे देन हाउ विल आई रीड, आई एम नॉट एबल टू रीड. चलो हम आगे के देखते हैं. कॉलेज इन द मॉर्निंग, सो हाउ यूटिलाइज इवनिंग एंड नाइट टू कंप्लीट लेक्चर्स. ठीक है, जिनका मॉर्निंग में कॉलेज है, देखो ये तो कस्टमाइज्ड है कि अगर आपका कॉलेज है मॉर्निंग में तो आप इवनिंग टाइम को यूटिलाइज करिए, नाइट को यूटिलाइज करो लेक्चर्स पढ़ने के लिए. देखो जो ऐसा टाइम होता है जिस टाइम आपको सबसे ज्यादा लगता है कि भाई नींद आ रही है या ऐसा टाइम है, उस टाइम आप प्रैक्टिकल्स उठा सकते हो, और जिस टाइम थोड़ा ऐसा टाइम होता है कि आप ओके ओके हो तब आप थ्योरी उठा सकते हो. तो इफ यू हैव योर कॉलेज इन द मॉर्निंग देन अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू शिफ्ट योर टाइम टेबल. ओके, अच्छा एक डाउट है, डाउनलोड ऑप्शन फॉर लेक्चर्स. बेटा इसके लिए तो आपको टेक्निकल टीम से बात करनी पड़ेगी. आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है. हमको बस यहाँ बिठा दिया जाता है और बता दिया जाता है बोलना शुरू करो. तो पढ़ाने के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता, तो डाउनलोड वाले ऑप्शन के लिए आई कैन नॉट हेल्प यू. ओके, टाइम टेबल के लिए जिन जिन बच्चों को लग रहा है, आप प्लीज़ अपना एक टाइम टेबल बनाओ और मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है. एंड देन आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. अगर उसमें मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं उसको चेंज करवा दूंगी, लेकिन इस चीज़ को अश्योर कर लो कि 20 फरवरी तक, ठीक है, 20 फरवरी तक आपको अपना रिमेनिंग जो भी मैं कंटेंट, जितने भी चैप्टर्स मैं आपको बोलने वाली हूँ, वो सब आपको कंप्लीट करने. तो आई थिंक 1-2 दिन के अंदर आई एम गोइंग टू शेयर द डेट शीट. ओके, एंड विद दैट डेट शीट यू नीड टू प्रोमिस मी कि आप वहाँ तक का सिलेबस अपना कंप्लीट करोगे, चाहे आपके चैप्टर्स किसी भी रीजन से छूट गए हो, चाहे आपने लेट ज्वाइन किया हो, चाहे आपका जनवरी में क्लियर हुआ हो. बिकॉज एक थिंग जो हम सब में कॉमन है वो ये कि जून वाले एग्जाम में हम सबको क्लियर करना है. तो फटाफट से बताओ, लिख के क्लियर करना है कि नहीं करना है. लेट मी सी कितनी जल्दी आप लिखते हो. जून एग्जाम में किसको किसको क्लियर होना है, किसको किसको पास होना है. हाँ, अरे बाप रे बाप. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, जोश तो दिख रहा है यहीं से ही. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. सो अब ये भी मुझे बता दीजिए, विल यू ऑल गोइंग टू फॉलो दिस शेड्यूल. क्या आप लोग इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे, 20 फरवरी तक जितना भी पुराना है वो सब आप रिवाइज करेंगे, जो भी डाउट्स हो आप पूछोगे, एंड यू हैव टू प्रोमिस मी दैट यू आर गोइंग टू ट्राई योर लेवल बेस्ट टू गिव दिस सीरीज. चलो अब प्रॉमिस लिखो, देखिए प्रॉमिस कितने बच्चे लिखते हैं. आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि यू आर गोइंग टू ट्राई
अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू ऑल, प्राउड ऑफ यू ऑल, लिटरली आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल. इतने सारे प्रॉमिस, हमको पता नहीं था प्रॉमिस भी करेंगे कि आप लोग ये सीरीज देंगे. और आई अश्योर यू कि मैं बहुत अच्छी डेट शीट बनाऊंगी, सारे चैप्टर्स जो अभी तक हुए हैं सब कवर हो जाएंगे, एंड इस फेब वाली मिनी सीरीज तक का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा. उसके आगे का हम लोग फिर आगे करेंगे, और मई में हमारी फुल 100 मार्क सीरीज होगी. ओके, सो दिस वॉज द अनाउंसमेंट विच आई हैड टू मेक. आई एम वेरी श्योर कुछ बच्चों को बहुत रिलैक्स लग रहा होगा, क्योंकि उनके दिमाग में यही टेंशन चलती रहती है कि भाई यू नो कैसे हम रिवाइज करें या कैसे पिछला वाला करें. तो आई हैव गिवन अ शेड्यूल. इन 20 दिन के लिए लेक्चर्स बंद नहीं होंगे, 4 घंटे के लेक्चर्स कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है वो. अच्छा, एक चीज और, इन 20 दिन में जो चैप्टर्स होंगे वो नहीं आएंगे टेस्ट में. मैंने आपको बताया है सिलेबस 31 जनवरी तक का आएगा, ठीक है? वो तो मैं जब आपको डेट शीट शेयर करूंगी तो आपको पता भी चल जाएगा चैप्टर्स का. तो आई डोंट वांट कि आप लेक्चर्स भी पढ़ते रहो और उसको भी रिवाइज करते रहो. तो आई वेरी क्लियरली टेल यू कि भाई ये चैप्टर्स हैं जो कवर होंगे और इतना इतना आपको करके आना है, ठीक है? दैट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ मॉड्यूल 1 एज वेल एज मॉड्यूल 2. कंटेंट बहुत ज्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा कोर्स कवर अप नहीं हुआ है. तो इसलिए जितना हुआ है उतना आप कवर कर लीजिएगा. एनी अदर डाउट, एनीथिंग इफ एनीवन हैज टू आस्क? हाँ, कितने चैप्टर्स हुए हैं? डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू. मैं डेट शीट शेयर करूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में. आई शेयर यू द डेट शीट इन अ डे और टू. एंड उसके बाद भी अगर मैंने चैट में किसी का कोई डाउट मिस कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे चैट में यू नो लोग पूछ रहे हैं लेक्चर्स इन द मॉर्निंग. अच्छा, मॉर्निंग में लेक्चर्स के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आई विल सी टू इट व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग आई कैन डू. तो आई विल ट्राई टू मेक इट अवेलेबल इन द मॉर्निंग. और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, तो आप एक दिन की लैगिंग लेके चल रहे हो कि मतलब एक दिन पहले का लेक्चर आप एक दिन बाद में कर लो, ऐसा भी आप कर सकते हो. बिकॉज जो लाइव लेक्चर्स होंगे, जैसे आज अगर कुछ बच्चों ने एक्सपीरियंस किया हो, तो कंपनी लॉ की क्लास लाइव हुई थी सुबह 10 बजे. तो लाइव लेक्चर के साथ साथ यू विल ऑल्सो गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट. ओके, तो इन एनी केस अगर आपका वो लाइव लेक्चर मिस हो जाता है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हो. एंड आई विल ट्राई कि लेक्चर्स जितनी मॉर्निंग में हो सके उतना मैं आपको अवेलेबल करा दूँ, ठीक है? फाइन. और कोई डाउट अगर किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए. एंड आई वॉज सेइंग अगर बाय डिफॉल्ट मैंने मिस कर दिया हो किसी का कोई चैट, क्योंकि जितना मैं पढ़ पा रही हूँ उतना ही एक बार मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, तो प्लीज आप मुझे सेपरेटली व्हाट्सएप कर दीजिए. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, जैसा आपने मुझसे प्रॉमिस किया, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट जून में हमें एग्जाम क्लियर करना है. तो जो भी आपके डाउट्स हो, और अगर मैंने व्हाट्सएप पे भी आपका कोई डाउट मिस कर दिया हो, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड दैट आई गेट मेनी डाउट्स एवरी डे. तो कभी ना कभी वो चैट्स की वजह से आपका डाउट नीचे शिफ्ट हो जाता है, सो आई एम नॉट एबल टू टेक अप. तो प्लीज रिमाइंड मी, इवन सर, हमको और सर को आप एक बार रिमाइंड करा दीजिए कि भाई यू नो ये डाउट हमारा रह गया है, तो प्लीज आप इसको क्लियर कर दीजिए. तो वट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन डिस्कस. ओके, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा मैम? हाँ, डेफिनेटली ऑनलाइन तो रहेगा ही रहेगा टेस्ट. मैं ये बोल रही थी कि अगर हम लोग को ऑफलाइन की परमिशन मिल जाती है, तो जो बच्चे सेम सिटी को बिलोंग करते हैं, कानपुर के ही हैं, दे कैन कम ओवर हियर एंड गिव द टेस्ट. बिकॉज सी, एकेडमी आके टेस्ट देना एक डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है रादर जब आप घर पे करते हो. अदरवाइज ऑनलाइन तो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा 100%. एंड हाँ, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस आई विल इन्फॉर्म. ODOP का कोई मैसेज नहीं आया. अच्छा, ODOP एक बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है आपकी जिंदगी की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम ODOP हो गया है. एंड आई एम सॉरी टू से, बट ODOP में हम कुछ कर भी नहीं सकते. जब सेशन होगा तो मेल आ जाएगा, नहीं तो अभी बहुत टाइम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो इंस्टीट्यूट अपने आप ही आपको मेल करेगा. ओके, सो आई थिंक नो मोर डाउट्स. ओके, सो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है. स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो प्लीज आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? प्री एग्जाम, अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है मैम वो प्री एग्जाम भी देना शुरू कर दीजिए. आई डोंट नो, यू हैव स्टार्टेड. अच्छा, स्कैनर की बात एक मिनट कर रहे हैं. प्री एग्जाम के लिए बच्चे पूछ रहे हैं, प्री एग्जाम देना शुरू कर दीजिए, ठीक है? जो एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है ना, दैट इज 25th मार्च. अच्छा, आप लोग को ये पता होगा ना कि आपका एक एग्जाम फॉर्म भी भरना है. ओके, तो एग्जाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है ना, वो ही प्री एग्जाम आपको उसके पहले तक क्लियर करना होता है. तो देना शुरू कर दीजिए प्री एग्जाम. पास नहीं होगा तो मैंने आपको बताया था एवरीडे बेसिस है, डेली बेसिस पे आप उसको अपियर कर सकते हो, ठीक है? तो स्टार्ट गिविंग द प्री एग्जाम. और स्कैनर्स के लिए जो आप पूछ रहे हो ना, एक्चुअली स्कैनर क्या होते हैं, जैसे आप जब स्कूल में थे, क्लास 12th में थे, तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाते थे.
पास्ट 10 ईयर्स पेपर या इस टाइप से, तो ICSI का भी जितने भी अभी तक अटेम्प्ट हुए हैं उनके क्वेश्चंस को कंपाइल करके एक किताब बनाई जाती है जिसका नाम होता है स्कैनर। तो स्कैनर में हर सब्जेक्ट की होती है, जैसे ज्यूरिसप्रूडेंस की स्कैनर है, तो JIGL के स्कैनर में आपको JIGL में हर अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैप्टर वाइज वो दिए होते हैं। तो दैट इज अ वेरी हेल्पफुल थिंग, क्योंकि आपको एक्चुअली पता चलता है कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप स्कैनर्स परचेज कर लें, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी गई थी। स्कैनर इसलिए परचेज कर लें, अब स्पेशली जैसे मैंने आपको बोला कि 20 तारीख के बाद मिनी सीरीज है ना, सपोजिटली आपने एक चैप्टर प्रिपेयर किया, ठीक है, आपने मॉड्यूल से उसको प्रिपेयर किया, फिर आपने स्कैनर खोला और आपने स्कैनर में देखा कि पास्ट ईयर में इसके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर। एनी हाउ स्कैनर की प्रिपरेशन तो आपको करनी ही करनी है, अभी से करके चलोगे तो आगे के लिए बर्डन कम हो जाएगा, वैसे भी जून अटेम्प्ट में टाइम कम होता है, ओके? तो स्कैनर ले लीजिए, रिक्वेस्ट यू ऑल, ठीक है, और स्कैनर से प्रिपरेशन करिएगा इस सीरीज के लिए जो ये मिनी सीरीज होने वाली है, ओके, फाइन। स्कैनर्स मैम, डू आई हैव टू गो फॉर ODOP? नो, अगर आपका सेकेंड अटेम्प्ट है, अगर आप एक बार एग्जाम दे चुके हैं तो आपको ना ही प्री एग्जाम दोबारा देना है ना ही ODOP देनी है, सिर्फ पहली बार ODOP और प्री एग्जाम देना होता है, उसके बाद जितने भी अटेम्प्ट्स होते हैं दोबारा आपको प्री एग्जाम या ODOP नहीं देना होता है। शैल वी स्टार्ट स्कैनर्स राइट नाउ? हाँ, मैं तो बोल ही रही हूँ स्कैनर फटाफट से शुरू कर दो, अब एक एक चैप्टर प्रिपेयर करो, उसका स्कैनर प्रिपेयर करो, रीजन बीइंग बाद में आपको टाइम मिलेगा नहीं, जो मई का मंथ होगा उसमें आपको पूरा मॉड्यूल रिवाइज करना होगा, स्कैनर रिवाइज करना होगा, तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि हम उस टाइम स्कैनर लगाएंगे, नो, एक एक चैप्टर रिवाइज करो मॉड्यूल से और उसके क्वेश्चंस देखो कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, स्पेशली इन द सब्जेक्ट्स लाइक कंपनी लॉ एंड सिक्योरिटीज मार्केट इन योर मॉड्यूल 2, ठीक है, और प्रैक्टिकल्स अगर हम मॉड्यूल 2 की बात करते हैं तो भाई FM में और अकाउंट्स में तो लगाना शुरू ही कर दो, बहुत बहुत क्वेश्चंस हैं स्कैनर्स के अंदर, तो मॉड्यूल प्लस स्कैनर तो मस्ट है, इतना तो आपको करना ही है। और जब आप इतना 3 बार कर लेना कि मैम हमने मॉड्यूल 3 बार रिवाइज कर लिया, स्कैनर 3 बार रिवाइज कर लिया, अब हम बोर हो रहे हैं, ठीक है, तब मेरे पास आना, तो हम आपको 1000-2000 और क्वेश्चंस दे देंगे, ओके। मैम एग्जीक्यूटिव में एक ODOP होगी? हाँ, एक ही होगी ODOP बेटा, एक ही होगी। मैम प्री एग्जाम इज, हाँ डेफिनेटली प्री एग्जाम इज नेसेसरी टू क्लियर अनटिल अनलेस इंस्टीट्यूट रिलैक्सेस इट। कई बार कोविड की वजह से लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स में ऐसा हुआ है कि इंस्टीट्यूट ने रिलैक्स कर दिया है कि चलो ठीक है, डेट एक्सटेंड कर दी, 1 महीना और दे दिया प्री एग्जाम क्लियर करने के लिए। अदरवाइज प्री एग्जाम क्लियर करना मैंडेटरी है, बिना उसके आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाओगे। अच्छा, कुछ बच्चों ने टाइम टेबल भेज भी दिया, ये बताओ पढ़ते पढ़ते टाइम टेबल, मतलब मेरी ये लेक्चर सुनते सुनते टाइम टेबल बन भी गया और हमें भेज भी दिया, ओके। मैम दिल्ली वाले कैसे लेंगे स्कैनर? अच्छा, जो बच्चे दिल्ली से हैं इस टाइम हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं वो स्कैनर्स कैसे लेंगे, आप उसके लिए एक बार हमारे ऑफिस में कंसल्ट कर लीजिए, तो आपको वहाँ पर ही कुरियर कर दिया जाएगा, ठीक है, आपके अपने घर पर कुरियर कर दिया। इनफैक्ट जो भी बच्चे अलग अलग सिटीज से हैं अपार्ट फ्रॉम कानपुर, ओके, कानपुर के अलावा जहाँ जहाँ से भी बच्चे हैं हमारे पास, आपका स्कैनर आपको कुरियर कर दिया जाएगा, उसके जो भी डिटेल्स हैं प्लीज़ आप ऑफिस वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ओके। मैम स्कैनर अकेडमी से ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं अकेडमी से, बट अगेन स्कैनर की सारी डिटेल्स के लिए आपको मैम का नंबर दिया गया, उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा। हमें स्कैनर की बुक शॉप जैसा बड़ा फीलिंग आ रही है कि हम स्कैनर की दुकान में बैठे और बच्चे हमसे स्कैनर के लिए फटाफट पूछे जा रहे हैं, ओके। मैम मॉड्यूल 1 में ODOP एंड प्री एग्जाम दे चुके हैं, मॉड्यूल 2 के लिए भी देना होगा? आई थिंक मॉड्यूल, अगर आपने मॉड्यूल 1 देते वक्त दोनों का प्री एग्जाम क्लियर कर दिया था, फॉर एग्जाम्पल आपको जून में देना था मॉड्यूल 1 लेकिन आपने पेपर दोनों के क्लियर कर लिए थे प्री एग्जाम, तो फिर नहीं देना। लेकिन अगर आपने सिर्फ मॉड्यूल 1 का प्री एग्जाम दिया है, तो अब अगर आप मॉड्यूल 2 दे रहे हो तो आपको मॉड्यूल 2 का प्री एग्जाम देना पड़ेगा। प्री एग्जाम एक बार क्लियर करना जरूरी है, ओके। हाउ टू गिव प्री एग्जाम? प्री एग्जाम के लिए एक वीडियो शेयर किया था मैंने आपको, उस वीडियो से लॉग इन करके आप प्री एग्जाम दे सकते हो। प्री एग्जाम विल हैव आवर कंप्लीट सिलेबस, हाउ शैल बी? ओके, एक डाउट ये आया है कि मैं प्री एग्जाम में तो पूरा सिलेबस होगा, अभी हमारा पूरा सिलेबस नहीं हुआ है, तो अच्छा बच्चे आपस में एक दूसरे को रिप्लाई करने लगे, गूगल कर लो। अच्छा, तो प्री एग्जाम ठीक है, पूरा सिलेबस नहीं हुआ है तो प्री एग्जाम कैसे होगा? तो बेटा देखो क्या कर सकते हो,
ओके क्या कर सकते हैं आप कि जितना भी सिलेबस आपका हुआ है, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं प्री एग्जाम में, ओके तो जितना सिलेबस आपका हुआ है उससे आप ट्राई कर लीजिए, उससे आप कर करके यू नो जितना हो सके कर लीजिए, नहीं होगा तो आप नेक्स्ट डे अटेम्प्ट कर सकते हो। आपके कुछ फ्रेंड्स एक एक्सपर्ट एडवाइस भी दे रहे हैं गूगल यूज कर लेना, बट आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट। प्लीज गूगल यूज मत करिएगा, उसको लास्ट ऑप्शन रखिएगा अगर पॉसिबल हो। अपनी नॉलेज से पेपर क्लियर करने की कोशिश करिए, और वैसे भी आपको पास होने के लिए वही मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए, तो अभी आपके पास काफी टाइम है, तो ये गूगल या फ्रेंड्स की हेल्प मत लीजिएगा। प्री एग्जाम भी एक तरीके का एग्जाम है, तो प्लीज टेक इट सीरियसली, ठीक है। हाँ, लास्ट में एकदम कुछ नहीं हो पा रहा है, देन इन दैट केस यू आर टेकिंग हेल्प, वो देखने वाली बात है, बट आई एम श्योर तब तक आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुचिता प्रकाशन के स्कैनर लेने होंगे। अच्छा, स्कैनर दो तरीके के होते हैं, मैं आपको बता दूं, रादर पास्ट ईयर क्वेश्चंस दो तरीके के होते हैं। एक स्कैनर होता है जो प्रोडक्ट है शुचिता प्रकाशन का, और एक होता है टैक्समैन का क्रैकर, ठीक है। तो कॉस्ट वाइज अगर आप जाओगे तो आई थिंक स्कैनर कम प्राइस का मिलता है, और क्योंकि वन टाइम यूज है इसका, आप जैसे ही एग्जीक्यूटिव पास हो जाओगे फिर आप स्कैनर जिंदगी भर नहीं पढ़ोगे क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, तो जो सस्ता पड़े वो ले लो। क्वालिटी वाइज अगर आप पूछोगे तो क्रैकर में थोड़े से कम क्वेश्चन होंगे कहीं ना कहीं, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में वो भी, अगर आपको क्रैकर मिल रहा है, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको शुचिता के ही लेना है, बट शुचिता का अपडेटेड रहता है, ओके। क्रैकर में जो टैक्समैन का आता है उसमें कई बार हम लोगों ने देखा है कि वो अपडेटेड नहीं होता है, कुछ एक आध अटेम्प्ट का मिस होता है, लेकिन अगर आपको क्रैकर अच्छा लग रहा है या आपके पास क्रैकर ऑलरेडी है तो क्रैकर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। शुचिता प्रकाशन के स्कैनर्स अगर आप लेना चाहते हो तो वो अपडेटेड है, वो भी ले सकते हो, वट एवर इज ईजी फॉर यू। ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो ऑनलाइन कर सकते हो, बस स्कैनर लगा लेना, जैसे मर्जी हो ले लो, ओके। बच्चों की बातें खत्म नहीं हो रही हैं, बाप रे, मेरा एक पेपर क्लियर हो गया है मैम, अच्छा, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, कोचिंग से स्कैनर मिल जाएंगे मैम, प्लीज टेक लाइव क्लास, इट विल बी इजी, ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर द सजेशंस एवरीवन। सो आई थिंक नाउ आई शुड वाइंड अप द सेशन, आपकी ज़रूरी बात, इससे अच्छा पता चला कि हाँ नहीं, ये थैंक यू, एक बच्चे लिखा है थैंक यू फॉर गिविंग टाइम, हमको तो लग रहा है हमें थैंक यू बोलना चाहिए, यू ऑल सेव्ड टाइम फॉर मी, है ना, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला, पता नहीं इस टाइम कौन सी सीरीज देखने का टाइम था, या पता नहीं कौन से फ्रेंड के साथ बाहर जाने का टाइम था, या है ना कि क्या क्या करने का टाइम था आपका, सो आपने मेरे लिए टाइम निकाला 10-15-20-25 मिनट, सो आई एम सो हैप्पी, और डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दीज लाइव लेक्चर्स। मुझे भी बड़ा मज़ा आया आप लोगों के साथ बात करके, और पता चला कि आप लोगों को भी बड़ी सारी बातें करनी थी। मैम टेंशन का टाइम चल रहा है, हाँ 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 टेंशन का तो चल रहा है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, अब तो टेंशन ही है लाइफ में, आपको पता है जिस दिन से आपने सीएस के कोर्स में कदम रखा उस दिन से आप और टेंशन ये दोनों एक ही वर्ड हो गए, है ना, आपको भी ऐसा फील होता है ना, सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल। सो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, इट वॉज रियली फन टॉकिंग टू यू ऑल, एंड आई एम श्योर कि 20 तारीख वाले सीरीज के लिए सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, एंड नाउ यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट टू अटेंड दिस सीरीज, ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी भी कोई डाउट हो आपका तो प्लीज़ 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 व्हाट्सएप पे, ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।